गाइस, कैसे हैं आप सब? ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने मायके। आज हमारी बहन का गौना है, विदाई हो जाएगी आज बहन की, तो हम लोग जा रहे हैं। 11 बज रहा है और हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमें लेट हो गया है क्योंकि बच्चों का स्कूल भी था, तो छोटी बिटिया हमारी स्कूल गई हुई है और उसी चक्कर में हमें लेट हो गया है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं, बस आ गए हैं अपने गाँव के बॉर्डर पर, हम पहुँच गए हैं। हम आपको पूरा दिखाएंगे कौन कौन से लोग वहाँ पर आए थे गौना लेने के लिए और क्या क्या बना था खाने में, विदाई कैसे हुई, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पर, ये हम आ गए हैं। घर के बाहर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। डॉगी हमारा छत के ऊपर खड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं छज्जे से वो नीचे की तरफ देख रहा है। वो देखिए ऊपर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो हम बिल्कुल घर में जा रहे हैं, तो हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं कि खाने में क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम मम्मी से मिले थे, भाभी से मिले थे, जहाँ के वीडियो मैंने नहीं शूट की है, शूट नहीं कर पाए हैं बातों के चक्कर में। और यहाँ हम आए हैं तो देखे हैं कि सब लोग मिलकर पुए वगैरह बना रहे हैं, जो कि बैना जाना है, बहन के साथ ससुराल जाएगा बैना, तो सब लोगों ने बना लिया है और थोड़ा सा अभी बनना बाकी है। ये पुए हैं मीठे जो कि बनाए गए हैं और सब लोग खा रहे हैं। तो मम्मी को ऐसा लग रहा है कि पुए सही नहीं बने थे, सही नहीं बने हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला है कि चेक करके बताओ, सब लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो कि कैसा बना है। अगर अच्छा बना है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा बना है तो हम दोबारा से इसको बनाएंगे, दूसरा इंतज़ाम करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छे पुए बनकर तैयार हुए हैं, हम सब लोगों ने खाकर टेस्ट किए हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब आगे के जो भी पुए हैं, अभी थोड़े से ही बनाए गए थे सबको चेक कराने के लिए, तो सब ने खाकर देख लिया है और खाने में बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो ये अब आगे बनाए जाएंगे। ये बहन है हमारी जिसका गौना है, खड़ी हुई है बच्चे को गोद में लेकर के। ये छोटी वाली बहन है जो कि सब्जी बना रही है। ये हस्बैंड है मेरे जो कि पुए बना रहे हैं, यानी कि बैना पका रहे हैं। ये पकाएंगे बैना। और ये जो बहन है वो दूसरी भट्टी पे सब्जी बना रही है मटर पनीर की, तो वो सब्जी पका रही हैं। ये भट्टी अभी बुझ गई है क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि ये जो पुए बने हैं ये सही नहीं बने हैं, तो इसलिए सब लोगों ने चेक कर लिया है। भट्टी बंद कर दी गई थी और अब फिर से दोबारा भट्टी जला दी गई है और पुए बनेंगे। ये बहन है हमारी हमसे छोटी है जो, तो ये पनीर की सब्जी बनाने जा रही हैं और ये पुए हैं जो कि और आगे के बनेंगे। तो सारे बेल के रख लिए गए हैं, ये बिल्कुल मुलायम बन रहे हैं, पकने पे मुलायम रहते हैं लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो बिल्कुल बिस्कुट की तरह कुरकुरे हो जा रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये सारे पुए हैं वो भी लगभग बनकर रेडी हो चुके हैं और उसके बाद ही ये किसी डलवे में रख कर बांध दिए जाएंगे। तो ढेर सारे पुए बनाए गए हैं और ये प्याज कटा हुआ रखा है जो कि सब्जी में पड़ेगा। ये चावल है, ये चावल भी बनाया जाएगा क्योंकि गौना लेने सब लोग आने ही वाले हैं। तो इधर सब्जी छौंकने की तैयारी हो चुकी है, तेल गरम हो चुका है और इधर पुए भी निकलने शुरू हो गए हैं और पक गए हैं, थोड़े से बचे हैं और बनाने। तो इधर सब्जी और पुए एक साथ बन रहे हैं, सब्जी पकने के बाद फिर से चावल बनेगा। दाल पक चुकी है, सब्जी भी बन चुकी है और ये भैया हमारे हैं जो कि बर्तन निकाल कर रख रहे हैं बाहर। ये सारे बर्तन हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे बर्तन उन लोगों के लिए आए हैं जो लोग गौना लेने के लिए आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 20-25 लोग आने वाले हैं, तो ये 20-25 थालियां और 20-25 ग्लास भैया ने ला कर रखे हैं। जब वो लोग आएंगे तो इन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया जाएगा। तो ये सारे नए बर्तन हैं, इनको फिर से साफ कर लिया गया है, धो लिया गया है और यहाँ हमारा आटे का इंतज़ाम हो रहा है। तो हम और हमारी दादी दोनों लोग मिलकर आटा गूंथ रहे हैं। आटा गूंथने के बाद इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ये सेट हो जाएगा क्योंकि अभी पूड़ियाँ नहीं बननी है, सारा खाना बनकर तैयार हो चुका है। जब वो लोग आ जाएंगे तभी पूड़ियाँ पकेंगी। तो सबसे पहले तो अभी नाश्ता पकाना होगा, नाश्ता पकेगा, थोड़ी देर वेट किया जाएगा, उन लोगों को पहले चाय नाश्ता करवाया जाएगा, मीठा वगैरह खिलाया जाएगा, फिर पनीर की पकौड़ी बनाने का भी इंतज़ाम किया गया है। तो पहले पनीर की पकौड़ी बनाई जाएंगी और चाय नाश्ता कराया जाएगा, उसके बाद ही पूड़ी का नंबर आएगा। तो ये सब्जी भी पक चुकी है, सारा इंतज़ाम हो चुका है, सब लोग लगे हुए हैं सुबह से
सब लोग मेहनत कर रहे हैं। पनीर की सब्जी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल पकने वाली है, पककर तैयार हो जाएगी। ये हमारे बहनों ही हैं छोटे वाले जो कि प्याज काट रहे हैं। अभी सूखी सब्जी बननी बाकी है, इसलिए ये सूखी सब्जी के लिए प्याज काट रहे हैं। और पकौड़ी भी बननी है प्याज की, तो इसलिए ये प्याज काटने में लगे हुए हैं। छत के ऊपर सारा काम हो रहा है, तो धूप बहुत तेजी से लग रही है, लेकिन ये समझिए कि सर्दी का मौसम है, तो धूप इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। तो सब लोग आराम से बैठकर छत पे खाना पका रहे हैं। तो पूड़ी का आटा रेडी हो चुका है, और अब रोटियों के लिए आटा तैयार किया जाएगा। तो जो पूड़ी का आटा होता है, उसमें नमक और जो कसूरी मेथी वगैरह पड़ती है, मोमन वगैरह पड़ता है, तो वो पूड़ी का आटा अलग होता है, और रोटी के लिए आटा अलग तैयार किया जाएगा। और चावल भी पक चुका है, बस थोड़ा सा चावल पकने में टाइम है, चावल भी पक जाएगा, चावल को भी रख दिया जाएगा। और इधर पनीर की सब्जी भी पक कर रेडी हो चुकी है, और सब लोग आ चुके हैं। तो आने का वीडियो हम नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, तो इधर उधर हो गया ना, नाश्ता का हमने वीडियो शूट किया है, तो डायरेक्ट ये खाने का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हमारे बहनों ही हैं छोटे, ये एक रिश्ते में हमारे देवर भी हैं, हमारे चाचा के बेटे हैं, तो ये हमारे देवर हैं। और इधर से हमारी बहन की शादी इन्हीं के साथ हुई है, तो ये हमारे बहनों ही भी हो गए हैं। ये हमारे जो भी हैं सब हमारे परिवार के हैं, ससुराल पक्ष के हैं। ये हमारी नंदे हैं, चाचा की बेटियां हैं, तीनों जो बैठी खाना खा रही हैं। और जो भी लोग आए हुए हैं, ये सारे हमारे परिवार के हैं, रिलेटिव हैं, ससुराल पक्ष के सारे लोग हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, ये उनके फ्रेंड हैं, और ये भी सब लोग ये फ्रेंड हैं, परिवार के भी हैं कुछ लोग इसमें, और चाचा के बहुत सारे दोस्त भी आए हुए हैं। लगभग 20-25 लोग आए हुए हैं गौना लेने के लिए। तो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो खाने में मटर पनीर की सब्जी है, आलू की सूखी सब्जी है, सलाद है, दही बड़े हैं, चावल है, रोटी है, पूड़ी है, सारी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। मीठे में रसगुल्ले बनाए गए हैं। तो ये सारा खाना सब लोग खा रहे हैं, और थोड़ा सा शगुन मम्मी चाची लोग गा रही हैं, आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए। रोटी ऊपर तो सब लोगों ने खूब सारा शगुन गाया, और इधर तैयारी होने वाली है, बहन की विदाई की तैयारी होने जा रही है। तो बिटिया के ये जो कपड़े हैं, ये ससुराल पक्ष से आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ये चुनरी है और ये साड़ी है, साड़ी ब्लाउज पेटीकोट वगैरह इनका जो भी था, चूड़ी वगैरह, ये सारा सामान इनका आया है गौने में। तो ये इनकी गोल्डन कलर की साड़ी आई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्डन कलर की साड़ी है और बहुत सुंदर साड़ी है, ब्लाउज वगैरह इनका बना हुआ है। तो इन्होंने अपनी फिटिंग दे दी थी, तो इन्होंने ब्लाउज वगैरह सिलवा दिया है, और इनका ब्लाउज आया है, चुन्नी आई है, साड़ी है, पूरा सेट आया हुआ है। तो अब इनकी तैयारी होगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, और अब बस विदाई होने का ही टाइम बाकी बचा है, क्योंकि खाना वाना सब लोगों ने खा ही लिया है, और अब ये तैयार हो जाएंगी और फिर इनकी विदाई होगी। कपड़े पहना दिए गए हैं और इनको पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो ये हमारी बहन तैयार हो गई है, और सब लोग बैठे हैं, बस विदाई होने ही वाली है। जो भी सामान था, जो भी जाना था यहाँ से, बैना वगैरह जो डाले थी, वो सारी गाड़ी में रखवा दी गई हैं, और अब विदाई स्टार्ट ही होने वाली है। बस बाहर से थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं, किसी का कोई आने वाला है, तो आ चुके हैं वो, तो विदाई भी होने वाली है बिल्कुल, अब जाने का टाइम हो चुका है। तो ये बहन की विदाई हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, विदाई होते होते रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, 7 बज गए हैं, तो 7 बजे थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है, तो विदाई थोड़ा लेट हुई है, इस वजह से वीडियो हमारी थोड़ा साफ नहीं आई है यहाँ पर।
ये विदाई का वीडियो है, तो सबसे मिला दिया गया है। अब इनको गाड़ी में बैठाया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं बहुत रो रही हैं ये। वैसे भी विदाई पे तो सब लड़कियां रोने ही लगती हैं, सबको रोना आ जाता है। मम्मी हमारी बहुत परेशान है, क्योंकि ये सबसे छोटी थी, जो हमारी बहन थी सबसे छोटी थी, मम्मी के साथ ही रहती थी, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है छोटी बहन की विदाई करने पर। तो मम्मी बहुत रो रही हैं और बहुत परेशान भी हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मौसी हैं, दादी हैं, चाची हैं, भाभी हैं, हमारी बहनें हैं और भाभी की मम्मी भी हैं। तो सब लोग यहाँ पर हैं, जो लोग आए थे गौने में। तो ये गौना हो गया है इस तरह से, आपने देखा। तो ये गौने का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रात का समय था तो बाहर अंधेरा हो गया था, इसलिए मैंने गाड़ी पे बैठते समय वीडियो शूट नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि बिल्कुल काला काला सा आ रहा था, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।